मैं विकास कुमार नर्सिंग नॉलेज एंड केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना संबंधित जानकारी और लक्षण और निवारण जानेंगे। तो देखते हैं, शरीर में ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 18 नॉर्मल माना जाता है और 130 से लेकर 85 नॉर्मल कंट्रोल माना जाता है। 140 से लेकर 90 हाई थोड़ा सा बढ़ा हुआ माना जाता है। 150 से लेकर 95 वेरी हाई बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन को चेक करने पर 94 सामान्य माना जाता है। 94 से 100 ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा माना जाता है। 19 से 93 ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम माना जाता है। एट्टी से लेकर 89 तक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम माना जाता है। डॉक्टर की सलाह पर एडमिट होना चाहिए, ठीक है। पल्स रेट 72 प्रति मिनट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा माना जाता है। 60 to 18 प्रति मिनट नॉर्मल मध्यम माना जाता है। 90 to 120 प्रति मिनट बढ़ा हुआ माना जाता है। शरीर का तापमान डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने पर 92 से लेकर 98.6 डिग्री बुखार नॉर्मल माना जाता है। 99.0 डिग्री थोड़ा बुखार माना जाता है। 100 डिग्री से 102 डिग्री ज़्यादा बुखार माना जाता है। HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर HRCT स्कोर 0 से 8 तक माइल्ड इन्फेक्शन माना जाता है। HRCT स्कोर 9 से 11 मॉडरेट इन्फेक्शन माना जाता है। HRCT स्कोर 19 से 25 तक गंभीर सीवियर इन्फेक्शन माना जाता है। HRCT चेस्ट टेस्ट CT स्कैन करने का उपचार माइल्ड इन्फेक्शन पर नॉर्मल दवा से ठीक हो सकता है। यह सीवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। CT स्कैन करने पर HRCT स्कोर मतलब क्या? कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली थैली में सूजन आकर उनमें कफ पानी भरना होता है। CT स्कैन करते समय फेफड़े का 25 भाग करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड है देखकर उसका स्कोर निकाला, अर्थात जितना स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत, उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है। कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सक किट पैरासीटामोल या डोलो 650 mg SOS जब मन तब ले सकते हैं जब ज़्यादा बुखार हो। बेटाडीन गार्गल माउथवाश के लिए गुनगुने पानी के साथ। विटामिन सी जैसे टैबलेट लिमसी 500 mg दिन में 3 या 4 बार, यह बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही कारगर है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरस को सक्रिय कर देता है और टैबलेट विटामिन D3 16 कैलोरी के सप्ताह में चार सप्ताह तक ले सकते हैं। टैबलेट बी कम्प्लेक्स के साथ मल्टी विटामिन एम ट्रेस एलिमेंट्स जैसे में न्यूरोकाइन प्लस रोज 1-10 से 15 दिन तक इम्यूनिटी के लिए ले सकते हैं। भाप ले गले में खराश ठीक एवं वायरस लोड कम कर वायरस को सक्रिय कर देता है। कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सक किट पल्स ऑक्सीमीटर रखें, ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए नॉर्मल 19 से ऊपर होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर केवल आपातकाल के लिए उपयोग करें। सांस देने में तकलीफ हो तो उल्टी पीठ के बल सोएं जिससे फेफड़े की ऑक्सीजन सर्कुलेशन सही हो। गुनगुने पानी में नमक गरारे एवं गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 3 या 4 बार पिए। गहरी सांस लें, व्यायाम करें, योगा बहुत ज़रूरी है।
केवल नाक में कोरोना रिकवरी समय आधा दिन होता है, इसमें आमतौर पर बुखार नहीं, इसमें असेस्मेटिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसमें स्टीम इनहेलिंग करके विटामिन सी लेकर हम लोग ठीक कर सकते हैं। फेफड़े में खांसी, 4 से 5 दिन में खांसी सांस फूलना है, इसमें क्या करें, गर्म पानी का गरारा करें, पानी में गर्म पानी ले, नींबू पानी ले, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स पारासीटामोल ले, गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें, गहरी सांस लेने का व्यायाम करें, अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर को परामर्श जरूर लें। ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें, आदि 92 सामान्य 95 से 100 होता है के पास जाता है तो आपको कोरोना का लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना इत्यादि, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क और परामर्श लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कृपया अपने परिवार को ख्याल रखें और समाज को सुरक्षित रखें। ध्यान दें, कोरोना वायरस का पीएच 5.5 से 8.5 तक होता है, इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस को अम्लता की स्तर को अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थ का सेवन करें, जैसे हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकाडो, लहसुन, आम, किन्नू, अनानास, जलकुंड, संतरा इत्यादि, इसको उपयोग करें, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। कैसे पता करें आपका कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है? गला सूखना, सूखी खांसी, शरीर का उच्च तापमान, सांस की तकलीफ, सिर दर्द, बदन दर्द, गर्म पानी साथ नींबू पीने से वायरस का फेफड़े तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इस जानकारी को खुद तक न रखें, अपने परिवार दोस्तों सभी के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि जानकारी शेयर करने से कितना जान बच सकता है, इसे शेयर कर आप लोग मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोग की जानकारी हो सके, कोरोना से बचाव हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।